स्टूडेंट्स, आज हम एंगेजमेंट लिमिट के लेक्चर नंबर 27 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो है सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन हमारे पास क्या होती है, ये किस लिए यूज़ होती है और इसको यूज़ करने का तरीका क्या है, ये मैं आपको आज बताऊँगा। सिग्मा नोटेशन भी एक लिमिट की तरह होती है। इसमें भी हम जो है इसको हम अपने जहाँ तक क्वेश्चन में उसने बताया होता है कि आपने इधर से स्टार्ट करनी है और इधर तक जानी है, ये भी इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो भी है, हमारे पास एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में ऐड करते जाना है, लेकिन उसको दूसरे तरीके में उस सिग्मा की वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे नीचे हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है सिग्मा। सिग्मा हमारे पास के की वैल्यू जो है उसने दी हुई है 4 है। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास जो के की वैल्यू 4 से लेके 8 तक जा रही है। ठीक है, और हमारे पास k दे दिया उसने। ठीक है, तो k हमारे पास जो है वो 4 है, तो 4 की पावर 3 हो गई प्लस k की वैल्यू क्या 4 में एक ऐड हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, 5 की पावर 3 k में एक और ऐड हो गया 6, k की पावर क्या 6 की पावर क्या होगी 3, 7 की पावर क्या होगी 3, 8 तक जाना है 8 की पावर 3। यानी कि ये भी एक लूप की तरह है कि हर बार इसमें एक ऐड होना है और देन प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, तो उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसमें 3 एग्जाम्पल इसमें दी हुई है, उसको सॉल्व करके इसका आंसर बताया हुआ। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, तो नीचे भी यही एग्जाम्पल सिग्मा नोटेशन में नोड आ जाते हैं। नोड में हमारे पास वो है वो आई जे के आ जाता है, तो नोड में हमारे पास आई जे के आ जाता है, तो इसलिए सिंपली जैसे जैसे वो वैल्यू बताई होती है उसको वैसे पुट करते रहते हैं और वहाँ से निकालते जाते हैं। एंड नीचे आ जाए तो नीचे हमारे पास एक और सिग्मा की एग्जाम्पल आ रही है, जिसमें हमारे पास के की वैल्यू दी हुई है और क्वेश्चन दे दिया कि के इधर से जानना है और आपने इसका आंसर निकालना। तो हम जैसे जैसे के की वैल्यू में पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास उसका आंसर आता रहेगा। देन हमारे पास नीचे आ जाते हैं, तो नीचे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसमें जो सिग्मा है उसमें क्वेश्चन में 5 एक पावर k माइनस 2 दे दिया और k हमारे पास जो है 3 से 7 स्टार्ट होगा। ठीक है, 3 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा, तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें हमने 5 की पावर 3 माइनस 2 करना है। ठीक है, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 5 की पावर आ जाएगी 1। ठीक है, सेकंड करेंगे तो 5 की पावर आ जाएगी 0, 4 माइनस 2 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाद में जब पावर्स आ जाएगी तो पावर हल करके तो उसको प्लस करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास क्वेश्चन आ रही है a1 a2 a3, इसको हमने सिग्मा में करना है। तो ठीक है, हमारे पास a के है k 1 2 3, तो हमने सिंपली के जोन से है वो पॉजिटिव जितना तक हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है वहाँ तक चल जाएगा, और अगर हमारे पास सिग्मा एन तक है तो एन हमें ये नहीं पता कौन सी वैल्यू कितने तक जाएगी, तो हमने इसको इन्फिनिटी तक ले जाना है। ठीक है, तो आगे प्रिंसिपल ऑफ सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन की क्या प्रिंसिपल है ये भी मैंने आपको बतानी है कि हमारे पास जो वैल्यू के स्टार्ट होगी जहाँ से उसके साथ एक क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन के अंदर हमने वो वैल्यू पुट करके जाना है और जहाँ टॉप पे सिग्मा के टॉप पे सिग्मा के साइन का टॉप पे जो वैल्यू होगी हमने वहाँ तक जाना है। यानी कि बेस वैल्यू जो है वो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, जो अपर वैल्यू है वो एंडिंग वैल्यू होगी। उसके बाद ये थ्योरम है सिग्मा की, ये भी सिंपली वही थ्योरम है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास के सिग्मा जो है के 1 2 30 जा रहा है और के इंटू के प्लस 1, तो के की पावर 2 हो गई प्लस के हो गया, तो हम इसको अलग अलग सिग्मा देंगे, हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और देन आगे आ जाते हैं, इसने सिग्मा को सॉल्व किया हुआ है के की पावर 30 इंटू 31 61 ओवर 6 प्लस 30 इंटू 31 ओवर 2, तो 99 20 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसमें आगे इसी ने बताया हुआ कि सिग्मा अगर इन्फिनिटी से जा रहा है
तो इसको इन्फिनिटी तक यानी कि 1 0 से लेके एंड तक कैसे लेके जाना है। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।